शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। इस भावना क्रम के ग्रंथ को आप गंभीरता से देखें तो यह आपके लिए उपयोगी है। अब इसके बाद जैसी कि ये 21वीं सदी है, और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हम 21वीं सदी के बौद्ध हैं, तो 21वीं सदी के बौद्ध बनने के लिए केवल पूजा पाठ करना या प्रार्थना करना ही सीमित नहीं रखते हुए आधार क्या है, मार्ग क्या है, परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, इसीलिए दर्शन और सिद्धांत के विषय में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभ्यास करते हुए मैं आपसे ये कहा करता हूं कि जानकारी के माध्यम से आस्था उत्पन्न करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए जानकारी के साथ ली गई श्रद्धा एक प्रामाणिक श्रद्धा होती है, एक आत्मविश्वास वाली श्रद्धा होती है। हमें केवल रीति रिवाज की परंपरा पर नहीं रहना चाहिए, हमें एक ब्राह्मणिक तौर पर एक वजह के साथ हमारे में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा रखनी चाहिए। आज संसार भर में हम देख सकते हैं कि किसी भी धर्म में करने को तो हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे में जो जीवन हम गुजारते हैं उसमें हमारे चाल चलन क्या धर्म के अनुरूप हैं, वो एक देखने वाली बात है। बहुत बार धर्म के बावजूद हमारा चाल चलन आचरण ही धर्म के अनुरूप नहीं होता, इसीलिए हमें तहे दिल से आस्था के प्रति जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। केवल धर्म का नाम लेकर ज्ञान रूपी श्रद्धा ना हो तो उससे हम देखते हैं कि जीवन में झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या किसी को सताना ये किस वजह से हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें धर्म में ज्ञान रूपी श्रद्धा की जानकारी नहीं है, इसलिए धर्म को एक रीति रिवाज तक ही सीमित ना रखते हुए और अपने मन को राग क्लेश द्वेष मोह लालच पर ना छोड़ते हुए हमें 21वीं सदी का बौद्ध बनना है। तो 21वीं सदी के बौद्ध जानकारी लेकर ही श्रद्धा उत्पन्न करें और उस धर्म के प्रति आस्था रखें या ना रखें, यह आपका निजी फैसला है। लेकिन अगर आप धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो वो श्रद्धा जानकारी लेकर ही रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी सूत्र में कहा कि मैंने आपको धर्म का मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त होना या ना होना, धर्म से छुटकारा मिलना या ना मिलना, यह आप पर निर्भर करता है। इसी तरह एक और सूत्र में कहा गया कि भगवान बुद्ध में जो ज्ञान है वो किसी को नहीं दे सकते, जिस तरह जल में नौनी से पाप मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध ने हमें धर्म दर्शन दिखाए हैं, उस धर्म दर्शन पर चलते हुए मोक्ष मिलना या ना मिलना ये स्वयं पर निर्भर है। इसीलिए भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गदर्शन की सही जानकारी लेते हुए किन चीजों को अपनाना चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जिनका त्याग करना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। एक बार अमृतसर में एक सूफी प्रोफेसर ने सम्मेलन में हुई बातचीत के दौरान बताया कि संसार भर में जितने भी धर्म हैं, ये सभी धर्म तीन प्रश्न पर विराजमान है। पहला प्रश्न आत्मा है या नहीं, अर्थात व्यक्ति है या नहीं। दूसरा प्रश्न ये कि व्यक्ति की शुरुआत रख सकते हैं या नहीं। तीसरा प्रश्न ये कि उसका अंत है या नहीं। तो संसार में जितने भी धर्म हैं वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैं समझता हूं कि ये तीनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं और बौद्ध धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो या जैन, सभी धर्म में ये विश्वास है कि आत्मा है। लेकिन बौद्ध धर्म की दर्शन दृष्टि हो या सिद्धांत दृष्टि, दर्शन दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि आत्मा तीनों विषयों से नहीं है। ये तीन प्रमाण क्या हैं? पहला, आत्मा हमेशा बनी रहती है, कभी नश्वर नहीं होता, ऐसा नहीं है। दूसरा विषय ये कि वो अकेला है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, जो अपनी आजादी के साथ है, ऐसा भी नहीं है। तो इन तीनों माध्यमों से आत्मा या शून्य के बारे में बताया गया। ग्रंथों में ऐसा कहा गया कि जिस तरह से एक तांगे के सभी हिस्सों को जोड़कर तांगा बनाया जाता है, उसी तरह हमारा व्यक्तित्व और मैं जो हिस्से होते हैं उन सबको जोड़ लेते हैं और हम बनते हैं। हम उसे
उसी तरह से पहचानते हैं जैसे हमने उसे जोड़ा होता है। तो इसीलिए संस्कार रूपी या संस्कृत वाले कई कर्म और कारणों से बनी हुई चीज जो है, एक मायने में वो उस पर हुक्म चलाते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मैं व्यक्ति या आत्मा जो है उस शरीर के या रूह के भीतर भी नहीं है, इसलिए मैं या व्यक्ति केवल हमारे द्वारा रखे गए हैं, वो हमारे मन के द्वारा रखे गए हैं। पहले प्रश्न पर यह जवाब आता है। दूसरा विषय जो है वो ये है कि मैं या व्यक्ति की कोई शुरुआत है या नहीं। जो ईसाई धर्म है, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसमें जिस तरह से भगवान को एक पिता के रूप में देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी एक विशेषता है, उनको पिता के रूप में देखने से वो भगवान को अपने बहुत नजदीक अनुभव करते हैं। तो इस तरह से भगवान या ईश्वर को नजदीक अनुभव करने से मन में मैत्री, करुणा, सहनशीलता, शिर पालन के अभ्यास करने में जो सफलता मिलती है वो आती है, तो ये अच्छी बात है। और जब इसी के साथ अभ्यास करते हैं तो बड़ी ही खुशी और उमंग के साथ अभ्यास करते हैं, मन में एक आत्मविश्वास मिलता है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बौद्ध धर्म की बात है, तो जैसा कि पहले ही कहा गया है कि मैं या व्यक्ति अपने पर आजादी के साथ नहीं है, बना रहता है, ऐसा भी नहीं है। जब ऐसा मानते हैं तो उसके भी अपनी एक वजह है। ये जो तीन तरह से रखे गए हैं, और बौद्ध धर्म की दृष्टि से ये तीन तरह के अभ्यास करने से मन में हर चीज को पकड़ने वाला है, ऐसा भी नहीं है कि उमंग या व्यक्ति बना रहता है। वो अपनी आजादी के साथ भी नहीं है, अकेला भी नहीं है। ऐसा जब मानते हैं तो उसके भी अपनी एक वजह है। जैसे कि तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म की जो परंपरा है उसमें चार सिद्धांतवाद है, तो उन चार सिद्धांतवादी में से हम जब अध्ययन करते हैं तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि भारतीय आचार धर्म कीर्ति के ग्रंथ या प्रमाण हैं, तो उसमें भी ऐसा कहा गया है कि विज्ञान जो है, यानी कि मन विज्ञान, मन जिसके देखने की एक दृष्टि है, क्षमता है, दो चीजें संसार में हैं, एक विज्ञान वाली चीज और दूसरी जो विज्ञान नहीं है, जो केवल एक वस्तु है, सामान है। तो इन दो चीजों को अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु जो बाहर की है उसके कर्म या कारण कभी विज्ञान नहीं बन सकते। तो विज्ञान जो है वो पहला विज्ञान, दूसरा विज्ञान, ऐसे सभी विज्ञान मिलकर एक कर्म और कारण बनते हैं। तो इसलिए बाहर की वस्तु के कर्म या कारण जो सही तरीके से देखा जाए तो फिर वो विज्ञान किसी विज्ञान को उसके कर्म और कारण के रूप में रखना, ये दिक्कत है। इसलिए पहला विज्ञान जो होता है, उससे आने वाले जो विज्ञान होते हैं, एक तरह से उनका जन्म होता है, उससे वो चलता है। इसलिए दूसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में ये होता है। अब आया तीसरा प्रश्न, वो ये है कि अंत है या नहीं, व्यक्ति या विज्ञान का अंत है या नहीं। तो जैसा कि बौद्ध धर्म में सबसे पहला जो सिद्धांतवाद है विज्ञानवादी, वो चित्त मात्र है। तो चित्र मात्र में ही केवल ये उदाहरण बताया जाता है, जैसे कि आप दीप जलाते हैं तो दीप जब बुझ जाता है तो वहीं खत्म हो जाता है। विज्ञान को भी वो इसी तरह रखते हैं और इस तरह के उदाहरण देते हैं। तो विज्ञानवादी के अलावा जो दूसरे सिद्धांतवादी हैं, वो इस तरह से बात नहीं करते, वो इस बात को और भी आगे ले जाते हैं। जिस तरह से पहले कहा गया कि दो चीजें उदाहरण के तौर पर, वो दो चीजें एक दूसरे के पक्ष में, दूसरा जो कि पहले के विपक्ष में, तो वो पक्ष विपक्ष जो यहीं एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकते, पक्ष और विपक्ष कभी भी एक दूसरे के कर्म और कारण भी नहीं बन सकते। तो इसीलिए हमें विज्ञान के कर्म और कारण या मन के कर्म और कारण जो कि मन से ही रखना पड़ेगा, बाहर भी उसी तरह रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम किसी भी चीज को अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी विषय को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसे केवल एक कथनी तक ही सीमित ना रखें। अगर किसी कथनी पर ही हम चलते रहे, किसी की बातों में ही आते रहे और किसी के कही हुई बातों पर ही यकीन करते रहे, तो फिर मन में एक झूठ आता है जिससे दिक्कत होती है, हम भटक जाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान एक कभी ना खत्म होने वाली चीज है। इसीलिए जब विज्ञान खत्म नहीं होता तो मैं या व्यक्ति भी खत्म होने वाली चीज नहीं है, ऐसा माना जा सकता है। इसलिए इस माध्यम से हम और आप विचार करें।
सभी धर्मों को हम सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो स्थानीय हैं, जैसे गांव के धर्म होते हैं, जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करना, इष्ट देवताओं की पूजा करना। लेकिन अभी हम इस विषय में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम धर्म दर्शन और सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जहां तक धर्म और सिद्धांत की बात है, तो मानने वाले धर्मों में संसार में दो प्रकार के धर्म देखे जा सकते हैं। आखिर में हम कितनी भी वार्तालाप करें, अभ्यास करने पर ही उतरना होता है। अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि ईश्वर को मानना नहीं मानना। ये संसार जो है ईश्वर के द्वारा रचा गया है, तो जिस तरह से जैसे संख्यावादी जैन धर्म में भी या फिर बौद्ध धर्म में भी इस तरह से हम एक बात करते हैं, तो कुल मिलाकर हमें उतरना जो है, हमारा लक्ष्य जो है, वो अभ्यास करने पर ही होना चाहिए। और जहां तक अभ्यास करने की बात है, तो उसमें जैसे प्रेम की बात है या फिर जब मुश्किलें आती हैं जीवन में, तो ऐसे में बर्दाश्त करने की बात होती है, हौसला रखने की बात होती है, या फिर अपने आप को संभालने के लिए शीर पालन की बात होती है। जैसे कि 10 अशुभ कर्मों के बारे में बताया जाता है, 10 अशुभ कर्म जैसे कि शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3, कुल मिलाकर 10। तो ये 10 अशुभ कर्मों को छोड़ना तकरीबन सभी धर्मों में एक जैसा है। शायद मिथ्या दृष्टिकोण आखिर में अपने अपने हो सकते हैं। भगवान बौद्ध के धर्म में भी हमारा जो 4 सिद्धांतवादी है, वो माध्यमिक वाले धर्मों को अपने स्वभाव से शून्य है ऐसा मानते हैं। तो ऐसा माना जाए तो वो गलत दृष्टिकोण होता है। शायद ऐसा भी रखा जाता है कि जो 10 अशुभ कर्म मिथ्या दृष्टिकोण है, वो श्रद्धा ना रखना आदि पर रखे जाएं, तो वो दूसरी बात हुई। तो जैसे भी हुआ कि संसार में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म दर्शन और सिद्धांत उनके अपने अपने हैं, और उन्हीं धर्मों और सिद्धांतों ने भी संसार को अतीत में संभाला, अभी भी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। तो सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर की भावना होनी चाहिए, और फिर आखिर में धर्मों के अपने जो अनुयायी हैं, वो अभ्यास करते हैं। सभी अपनी अपनी सोच के होते हैं, अपने अपने स्वभाव के होते हैं, अपने अपने अनुभव सबके होते हैं, तो हिसाब से सिद्धांत चाहिए होते हैं। थोड़ा बहुत धर्मों में जहां तक सिद्धांत और दर्शन की बात है, तो उसमें मिलना ना मिलना, सहमत होना या ना होना, एक ही विचार का होना ना होना, ये तो स्वाभाविक है। ये अपने मन में बदलाव लाने का एक तरीका होता है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत हैरानी की बात है। हमें ऐसे लोगों के प्रति आदर स्वभाव रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये संसार, जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इसे ईश्वर द्वारा रचा नहीं गया, तो अगर हम इस बात को माने, तो फिर सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने स्वभाव होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं, तो वो सही नहीं बैठता। बेहतर यही होता है कि कुछ लोगों के लिए जब ये कहा जाता है कि ये संसार ईश्वर द्वारा रचा गया, तो उस समय उनके मन में जो करुणा और अभ्यास करने की ताकत ज्यादा मिलती है। बौद्ध धर्म में ये स्वयं पर ही निर्भर है। जब हम ये बात करते हैं, तो शायद अगर हम उसका सही अर्थ ना निकालें, तो शायद गलत भी इस्तेमाल कर लें। इसलिए दर्शन, सिद्धांत और दृष्टिकोण ये सभी में होना चाहिए, और उस दृष्टिकोण के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम बौद्ध नालंदा परंपरा से हैं। तिब्बत के बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत की जो बात है, तो वो अलग अलग तरीके से होना स्वाभाविक है। सबके एक जैसे विचार और अनुभव नहीं होते। इसलिए मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म में भी जैसे विज्ञानवादी चित्त मात्रा है, चित्त मात्रा में भी कई तरह की शाखाएं होती हैं। उसी तरह से माध्यमिक जो सिद्धांतवादी हैं, उनमें भी कई शाखाएं हैं। तो इस तरह की शाखाएं होना ये दर्शाती हैं कि सबके एक तरह के दृष्टिकोण नहीं होते, सबके एक अभ्यास नहीं होते, लेकिन जितने भी सिद्धांतवादी होते हैं, उन सब के लक्ष्य एक होते हैं। सोच, विचार और दृष्टिकोण में अलग अलग होना कोई बड़ी बात नहीं, और ये स्वाभाविक भी है। इसलिए स्वाभाविक और संभाविक को मानते हुए किसी एक पर विश्वास करना ये गलत है। जैसे कि बुद्ध के ग्रंथों में भी ये कहा गया कि 5 हमारे विज्ञान है, जो हमारे 5 भोजन हैं, जो ये भोजन चखता है उसे व्यक्ति कहा गया है।
उसी तरह से किसी एक चीज को मानना या ना मानना एक तरह से सीधा एकदम से जचता हुआ कुछ लोगों को घुमा फिराकर एक तरीके से लोगों को सीधा ऐसा बुद्ध के वचनों में भी एक तरीका बताया गया, क्योंकि सबका एक दृष्टिकोण नहीं है। हमारे समक्ष जब ये प्रश्न उठता है कि अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो फिर ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि सबका एक दृष्टिकोण नहीं हो सकता क्या? अपनी अपनी सोच होती है, तो उस सोच के हिसाब से उपाय के तौर पर वो रखे गए हैं। इसलिए संसार में सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, क्योंकि स्वयं के प्रति हमारा धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए स्वयं को सोचकर ये कहा जाए कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा जाए तो ये गलत होगा। इसीलिए सभी धर्म के प्रति आदर और श्रद्धा रखें। आदर और श्रद्धा में फर्क रखें। श्रद्धा जो है वो अपने धर्म के प्रति करें, आदर जो है वो दूसरों के धर्म के प्रति रखें। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के जितने भी महापुरुष आए, उन महापुरुषों ने बुद्ध के वचन के आधार पर रचनाएं की हैं। उन रचनाओं के बाद शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए केंद्र स्थापित हुआ था। बुद्ध के समय में अध्ययन करने के लिए ऐसे केंद्र और पाठशालाएं नहीं थी, लेकिन उसके बाद अध्ययन के लिए केंद्र बनाए गए, और जैसे सबसे पहले तक्षशिला केंद्र बनाया गया, उसमें जैसे कि वासुदेववादी और विज्ञानवादी हैं, इस तरह से बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए शुरुआत की गई थी। उसके बाद नालंदा से आचार्य नागार्जुन, और ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े विद्वान सिद्ध हुए। उसके बाद विक्रमशिला आदि और ओहिर या फिर सातवीं और आठवीं सदी में तिब्बत के बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत हुई। वहां के धर्म राजा के प्रार्थना पर जैसे शांत रक्षित पधारे तिब्बत में, और उनके सहयोग देने के लिए गुरु परम संभव और विशेषकर यहाँ इस वक्त कहने के बाद आचार्य शांत रक्षित द्वारा बौद्ध धर्म के दर्शन के जो ग्रंथ हैं उसकी रचना करने की, और उसी तरह से जो भिक्षुक या जो संन्यास लेने वाले लोग थे उनको आदि और बुद्ध के वचनों और शास्त्रों को अनुवाद करने आदि पर भी उन्होंने विशेषकर अपना कर्तव्य का पालन किया। और जहां तक भीतर और बाहर के भूत प्रेत विघ्न हैं, उन्हें दूर करने के लिए गुरु परम संभव आचार्य की कृपा रही। आचार्य परम संभव और गुरु परम संभव द्वारा राजा मंत्री केवल कुछ विशिष्ट लोगों को ही तंत्र ज्ञान और वज्र ज्ञान के प्रवचन दिए गए थे। मोटे तौर पर देखें तो संन्यास लेने की विधि से लेकर माध्यमिक दर्शन, उस पर आचार्य शांति रक्षित की बहुत बड़ी कृपा रही। और उसी तरह से तिब्बत के संप्रदाय में भी इन बातों का जिक्र किया जाता है, जैसे कि जीनू पुछे लामा खातो के द्वारा ऐसा कहा गया है, उन्होंने कि हम तिब्बती बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें भारतवर्ष से शांत रक्षित आदि के दर्शन हुए। उनकी कृपा से हमारा धर्म पूरे संपूर्ण तरीके से तिब्बत में धम्मं शरणं गच्छामि।